वेलकम टू शालिनी मुकेश उपलिकर चैनल. नाउ माय चैनल इज योर वन ऑफ फेवरेट चैनल, यू नो. वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सुलभ भारती पांचवी कक्षा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. सो लेसन नंबर 6, पेटूराम. पेटूराम यानी जो बहुत खबड़े रहते हैं ना, खबड़ खबड़ खबड़ते रहता है, उसे कहते हैं पेटूराम. ये देखो पेटूराम. अभी पेटूराम का ये जो लेसन है ना, ये कॉन्वर्सेशन में है. ये जो लेडी है उनके घर में वो गए हैं पेटूराम, ठीक है. तो अभी उसने उनको बुलाया, इनवाइट किया खाना खाने के लिए. चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए. मैं तो सामने से कुछ रिप्लाई आया तो उन्होंने जवाब दिया, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है. किसने कहा? पेटूराम ने. पेटूराम का क्या था? उपवास. उपवास में कुछ तो लेते होंगे. अभी देखो हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनको खाना ऑफर करते हैं. अगर उन्होंने कहा फास्ट है तो फिर हम लोग उन्हें पूछते ना कि आप लोग फास्ट में क्या खाते हैं, हम लोग वो बनाएंगे, हम आपके लिए वो लेकर आएंगे. तो उसी तरह उसने भी पेटूराम से पूछा, अच्छा आपका उपवास है तो उपवास में कुछ तो लेते होंगे, कुछ तो खाते होंगे. अभी पेटूराम क्या जवाब देता है सुनो. हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए. अभी वो जो लेडी थी वो तो बेचारी उसका स्वागत कर रही थी, मतलब. तो फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए कि आप क्या खाते हो उपवास में. तो पेटूराम अभी क्या कहते देखते. अंगूर मिलते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले. और अभी देखो अंगूर कितने मंगाए उन्होंने, आधा किलो. और वो लेडी ने पूछा सामने से, और क्या चाहिए आपको? आधा दर्जन केले, एक किलो सेब, सेब यानि सफरचंद, केले यानि बनाना. और वो लेडी ने पूछा, और एक पाव मेवा. मेवा एक मिठाई का आइटम होता है. सवा पाव मिठाई, और सवा पाव मिठाई मंगा देना बस. या कुछ और? फिर वो लेडी ने पूछा, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस. पेटूराम की लिस्ट शायद ख़त्म हो गई लगता है. ठीक, और कोई आज्ञा? वो लेडी ने पूछा. नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता. हा हा हा, लो भाई पेटूराम का उपवास. हाँ इसे ना मराठी में एक कहावत कहते हैं, मालूम है, एकादशी आनी दुप्पट खाशी. उपवास के नाम पे है ना लोग डबल टिबल खा जाते हैं, मालूम है. और उपवास से बोलेंगे ना तो इतने अच्छे अच्छे चीज़ें खाने को मिलती है. मेरा बेटा तो सिर्फ अच्छे अच्छे चीज़ें खाने के लिए उपवास करता है हम लोग के साथ में, वरना उसको उपवास में कुछ इंटरेस्ट नहीं है. उसको मैं बोलूँ अगर मैं भूखा रहना है दिन भर तो बिल्कुल नहीं करेगा उपवास. तो इस तरह से देखा पेटूराम का उपवास कितना अच्छा था. उसका तो शर्ट का बटन भी नहीं लगता, देखो उसका पेट कितना बड़ा हो गया है. सो अभी यहाँ पर क्या पूछा है, विराम चिन्हों को पहचानिए, पढ़ो और समझो. अभी विराम चिन्ह में देखो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है. ये है अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक, अर्धविराम. अभी अंगूर मिलते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया ना ये. अभी मैं, ये विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक हो गया चिन्ह. आधा दर्जन केले, ये देखो अल्प विराम. एक किलो सेब, ये है पूर्ण विराम. नहीं नहीं ये है अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम. आज मेरा उपवास है, ये देखो डॉट करके ये दिया ना इधर, इसको बोलते हैं अर्ध विराम.
हो गया आपका लेसन, कितना जल्दी हो गया है ना, और हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। तो अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को, और हाँ मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करना और मेरे वीडियोस को अच्छे से और ध्यान से देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।